हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी का सेकंड वन शॉट वीडियो लेकर के आए हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में बच्चों आपके पहले चैप्टर से लेकर के सातवें चैप्टर के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखा, और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर यानी 8 से लेकर के 13 तक के, आठवें चैप्टर से लेकर के 13वें चैप्टर के बीच जितने भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सबको देखने वाले हैं। और बच्चों इस वीडियो के लिए, अकेले इस वीडियो के लिए कम से कम 4 से 5 घंटे की मेहनत लगी है, इसलिए बच्चों इन सारे क्वेश्चन को आप 100% तैयारी मानकर ही करिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बोर्ड एग्जाम में हर साल 2 सेट 3 सेट या 4 सेट में लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि बच्चों बायोलॉजी में क्वेश्चन फिक्स होते हैं। मैथ तो है नहीं, फिजिक्स तो है नहीं, केमिस्ट्री तो है नहीं, भाई चलो किसी में न्यूमेरिकल दे दो, किसी में थ्योरी, किसी में टेक्निकल क्वेश्चन, नहीं, इसमें कहां से पूछेगा भाई? आपके 7 सेट बनने हैं, एक चैप्टर में वैसे भी 7 से 8 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो हर एक में आएगा ना। इसलिए बच्चों इन सारे क्वेश्चन को आज अच्छे से अपने दिमाग में छाप कर रख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है। और हाँ, फर्स्ट पार्ट को जिन्होंने भी नहीं देखा है, जिन बच्चों ने फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है उसके लिए प्लेलिस्ट भी बनाया है 12th Physics 2024, वहां पर देख लीजिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पहली वीडियो की लिंक मिल जाएगी जिसमें हम चैप्टर 1 से लेकर के 13 यानी 13वें चैप्टर के क्वेश्चन को देखा है, ठीक है ना। चलिए तो आज हम 8वें चैप्टर से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक किसे कहते हैं? काफी इंपॉर्टेंट है, 2023 में 3 सेट में पूछा था, प्रतिजैविक किसे कहते हैं और किन्हीं 2 प्रतिजैविक के नाम लिखिए, ठीक। तो प्रतिजैविक हैं क्या? देखिए बच्चों, प्रतिजैविक जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक होते क्या हैं? तो प्रतिजैविक ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किए गए क्या होते हैं, ये उत्पाद होते हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ये किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं, परिभाषा भी, परिभाषा की तरफ निगाह बिल्कुल मत दौड़ाइए। ये जो भी सूक्ष्म जीव होते हैं, और ऐसे सूक्ष्म जीव जो मानव कल्याण के लिए होते हैं या घरेलू उत्पाद के लिए, क्योंकि देखिए सूक्ष्म जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक हानिकारक, दूसरा लाभदायक। अगर हम हानिकारक की बात करें तो भाई जीवाणु विषाणु उसमें होते हैं, अगर उसी को लाभदायक में बात करें तो भाई जैसे लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक, और जैसे क्या है जिससे पेनिसिलिन बनाया जाता है, और हम जैसे क्या कहते हैं दूध से दही बनाना है, सिरके में एसिटोबैक्टर होता है, ठीक, किण्वन द्वारा शराब बनती है, तो ये इडली डोसा पनीर, इनमें जो सूक्ष्म जीव उपयोग किए जाते हैं ये क्या है, ये मानव के कल्याण के लिए हैं, यानी ये लाभदायक हैं। तो ऐसे जीवों के द्वारा, सूक्ष्म जीवों के द्वारा ये तैयार किए गए प्रोडक्ट होते हैं, यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा ही तैयार किया गया जो रासायनिक पदार्थ होता है उसको अपन बोलते हैं मतलब प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। अब देखिए बच्चों ये करते क्या है, ये जो प्रतिजैविक होते हैं, ठीक, ये जो प्रतिजैविक होते हैं ये हमारे शरीर में जो हानिकारक अन्य सूक्ष्म जीव होते हैं, ठीक, अन्य जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी संख्या को नहीं बढ़ने देते हैं, यानी ये क्या करते हैं, उनसे सुरक्षा प्रदान करते हैं, इनकी वृद्धि को, यानी इनकी वृद्धि को रोकने का काम कौन करता है, तो ये प्रतिजैविक करते हैं, ठीक, इसीलिए नाम है एंटीबायोटिक, यानी हमारे शरीर में क्या करते हैं, ये एक सुरक्षा कवच तैयार कर देते हैं। समझ में आया हमने क्या बताया कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा तैयार किए गए ऐसे उत्पाद जो अन्य सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं उन्हें कहते हैं प्रतिजैविक, ठीक, क्लियर हो गया। अब देखिए बात करें बच्चों तो इसमें लिखना क्या है, चलिए वो समझते हैं। तो इसमें लिखेंगे वही कि विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए गए वे रासायनिक पदार्थ जो दूसरे सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं, ठीक, उनको क्या कहते हैं बच्चों, उनको हम बोलते हैं प्रतिजैविक, यानी ये क्या करते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं, ठीक है ना, ये प्रतिजैविक कहलाते हैं। और वर्तमान समय में लगभग 7000 प्रतिजैविकों की खोज हो चुकी है, ठीक। और इसमें अगर हम बात करें भाई प्रतिजैविक का नाम पूछा है तो यहां पर जो आपके प्रतिजैविक हैं, सबसे पहले तो भाई पेनिसिलिन है,
ठीक, पेनिसिलिन तीन प्रतिजैविक पूछा है, तीन नहीं दो है, तो पहला पेनिसिलिन हो गया बच्चों। दूसरा बात करें स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक, क्या हो जाता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन नामक ये सूक्ष्म जीव हो गया। तो ये दो प्रतिजैविक हैं, औषधियां हैं, ठीक, ये दो प्रतिजैविक औषधियां हैं। और इसमें अगर हम बात करें बच्चों, तो सबसे पहले कभी कभार क्वेश्चन पूछता है कि प्रतिजैविक की खोज किसने किया था, बहुविकल्पी में भी पूछ लेता है, नहीं तो एक नंबर में वन लाइनर में पूछता है, ठीक। तो इतना याद रखना बच्चों की सर्वप्रथम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, क्या हमने बोला एलेक लिखा जाता है कहीं कहीं या अलेक, कुछ भी लिखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने, ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की, ठीक, पेनिसिलिन कुछ भी लिखिए की खोज की थी, ठीक। क्लियर हो गया? तो देखिए बच्चों, कोई भी क्वेश्चन अगर हम उठाएंगे तो उसको गहराई से जानना बेहद जरूरी है, केवल इतना नहीं कि प्रतिजैविक किसे कहते हैं। तो भाई यहां से देखिए आपके कई क्वेश्चन तैयार हो गए, एक तो प्रतिजैविक किसे कहता है, ठीक, प्रतिजैविक क्या है, दूसरा प्रतिजैविक के नाम हो गया, तीसरा प्रतिजैविक की खोज किसने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और चौथा की मतलब सर्वप्रथम किस प्रतिजैविक की खोज हुई थी, पेनिसिलिन की। तो इस तरह से आप उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम अच्छे से देखेंगे, जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हर तरह से हमको तैयार करके जाना है, ठीक। इसी तरह से अगर आप भी कोई भी घुमा फिरा अगर पूछेगा एग्जाम में तो हम डेफिनेटली उसको इजीली कर सकते हैं। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बायोगैस, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और बताने की जरूरत नहीं बच्चों, हर क्वेश्चन में बताने की जरूरत नहीं कि कौन कितना इंपोर्टेंट है, सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप में बेहद इंपोर्टेंट है। हमने पहले ही बताया है कि 100% इनको मानकर चलना है कि भाई बोर्ड एग्जाम में आएंगे, और आते हैं बच्चों। जितने क्वेश्चन आज हम रखे हैं हर एक साल आपके 2 से 3 सेट में तो डेफिनेटली आपको दिखाई पड़ेंगे। और बेनिफिट इसका यह है बच्चों कि हमने सरल से सरल शब्दों का प्रयोग किया है, आप कहीं से भी क्वेश्चन बैंक से भी मिलाएंगे ना, इतना इजी आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं, ठीक है ना। चलिए, क्योंकि बच्चों वैसे भी हम ऑफलाइन भाई ज्यादा तो कुछ नहीं करना कहना, लेकिन ऑफलाइन अगर हम बात करें तो पिछले हम 5 से 6 साल से पढ़ा रहे हैं, तो इतना तो पता हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और किस मतलब उनको कैसे इजी से इजी वर्ड में आपको देना है, ये इतना तो भाई अपने को पता है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बायोगैस क्या है और बायोगैस के उपयोग लिखिए। देखिए बच्चों, बायोगैस इसको कई नाम से जानता है, ठीक है ना, इसको बायोगैस कहता है या जैव गैस कहता है, ठीक, बायोगैस या जैव गैस, ठीक, जैव गैस, या इसी को गोबर गैस बोलता है, ठीक, गोबर गैस, ठीक, और बायोगैस तो एक नाम है ही, तो मतलब कई नाम है, चाहे बायोगैस कहे या जैव गैस कहे या गोबर गैस कहे, तीनों एक ही चीज है। तो देखिए बायोगैस होता क्या है, तो बायोगैस क्या है कि बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है, विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है बच्चों, जिसमें सर्वाधिक मात्रा में मेथेन होता है, यानी बायोगैस में सबसे ज्यादा मेथेन गैस की अधिकता होती है। मेथेन गैस की अगर हम मात्रा बात करें बच्चों तो ये लगभग 50 से 70%, ठीक, 50 से 70% मेथेन की मात्रा होती है और बाकी भी अन्य होते हैं, ठीक, बाकी क्या होते हैं आपके अन्य जितने भी हो जाते हैं वो सब अन्य के अंतर्गत आते हैं, इसमें CO2 भी होता है, ठीक, नाइट्रोजन की मात्रा भी होती है, ये सब चीज होते हैं बायोगैस में। तो बायोगैस विभिन्न गैसों का एक मिश्रण है जिसमें
सबसे ज्यादा यानी सर्वाधिक गैस होता है मेथेन, ठीक, मेथेन होता है। अब उस देखिए मेथेन को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि ये दलदल में उत्पन्न होती है, खासतौर पे जैसे गोबर में, ठीक। तो उसी तरह से ये जो बायोगैस है बच्चों, यह ऊर्जा का, ठीक है ना, यह क्या होता है, ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत है। और बायोगैस का निर्माण मानव मल पशुओं के गोबर से होता है, ठीक। जो मल मूत्र होते हैं, कचरा वगैरह होता है, जो गोबर होता है, ठीक, जो फलों के छिलके होते हैं या खेतों में जो भी फसलें जब काट ली जाती हैं, जो अपशिष्ट बचता है, तो जब उसको कूड़ा करकट एक स्थान पर गांस देते, मतलब उसको ढेर लगा दिया जाता है, तो उससे, ठीक है ना, वहां पर जो खाद बनती है, ठीक, वो जैव खाद या जैविक खाद होती है, और उसमें से जो गैस निकलती है वही गैस होती है बायोगैस, ठीक। तो ये हमने क्या बताया बच्चों कि ये मतलब इसका निर्माण मानव मल व पशुओं के गोबर से होता है, इसी कारण इसे गोबर गैस भी कहा जाता है, ठीक, इसी कारण क्या कहते हैं, इसको गोबर गैस भी कहते हैं। अब बायोगैस या गोबर गैस का उपयोग क्या होता है, पहला खाना बनाने में। अब देखिए जगह जगह पर कहीं कहीं गांव में भी बायोगैस संयंत्र लग रहे हैं, एक बड़ी टंकी होती है, उसके पास में दो अन्य टंकियां होती हैं, ठीक, एक में क्या है, पानी और गोबर को मिक्स करके डाला जाता है, फिर उसके बाद उसमें सूक्ष्म जीवों के द्वारा यानी प्रक्रियाएं उसमें होती हैं, फिर बायोगैस निकलता है, उसको पाइपलाइन के माध्यम से जहां पर स्टोर करना होता है वहां चली जाती है गैस, फिर जो बचती है, जो अपशिष्ट कचरा बचता है, उसको निकालकर खाद के रूप में खेतों में भी डाल देते हैं। इससे भाई नेचर पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा और साथ ही साथ काम भी हो गया। तो ये होता है, तो भाई खाना बनाने में, दूसरा आटा चक्की व अन्य मशीन चलाने में, भाई अब बड़ी बड़ी मशीनें भी इसके द्वारा चलाई जा रही हैं। अगला है प्रकाश उत्पन्न करने में, लाइट के रूप में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है गैस के निर्माण के बाद बचे अपशिष्ट का उपयोग खाद के रूप में, भी वही बताया ना कि जब बायोगैस बना लेते हैं उसके बाद जो कचरा बचता है यानी जो वेस्ट हो जाता है उसी को हम खेतों में खाद के रूप में फेंक सकते हैं। क्लियर हो गया, चलिए तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटी फसल, ठीक, इसको हमने कई बार देख रखा है लेकिन यहां पर आपको देखना बेहद जरूरी है। बीटी फसल क्या है, ठीक, बीटी फसल किसे कहते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट है। अब समझिए बच्चों, इसको परिभाषा देखने से पहले समझिए, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि सुनकर ज्यादा तैयार होगा चीजों को समझने से। देखिए बीटी फसल, आज के समय में देखिए फसलें ऐसी हैं कि जिन पर ज्यादा से ज्यादा कीटनाशक छिड़का जा रहा है, उसके बाद भी जो कीड़े हैं वो मरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसीलिए भाई बहुत सारे लोगों ने जो बैगन की खेती होती थी बंद कर दे रहे हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा दवा लगती है फिर भी ये जो कीड़े होते हैं कंट्रोल ही नहीं होते हैं। अगर कोई जैसे भाई कोई भी सब्जी हो, कीट क्या करते हैं उसको एकदम बर्बाद कर देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी, ठीक, जैव प्रौद्योगिकी एक ऐसी तकनीकी है जिसमें जैविक तरीकों का अपना मतलब उपयोग किया जाता है, जैविक तरीकों का इस्तेमाल होता है। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई एक फसल की एक क्या है, नस्ल होती है, ठीक, यानी एक ऐसी फसल होती है जिसमें बीटी जीवाणुओं का उत्पाद मतलब बीटी जीवाणुओं का प्रयोग किया जाता है। बीटी, बी मतलब बैसिलस, टी मतलब थोरिनजिएंसिस, बैसिलस थोरिनजिएंसिस नामक जीवाणु के द्वारा तैयार की गई एक फसल होती है, उस फसल का नाम है बीटी फसल। हमने क्या बताया बच्चों कि बायोटेक्नोलॉजी या फिर इसको हिंदी में बोलते हैं जैव प्रौद्योगिकी, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा, ठीक, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बीटी जीवाणुओं के उत्पाद उपयोग से यानी बैसिलस थोरिनजिएंसिस के उपयोग से तैयार की गई फसल को कहते हैं बीटी फसल। अब बीटी फसल का फायदा क्या होता है, बीटी फसल जो होती है बच्चों, ठीक, जो बीटी फसल होती है तो बीटी फसल में से बीटी विष निकलता है, ठीक, ये क्या करता है, पौधों को तो कोई हानि नहीं पहुंचाता है, ये पौधों के अंदर ही होता है,
ठीक, बीटी फसल के अंदर ही होता है बच्चों, बीटी विष। अब बीटी विष करता क्या है कि जैसे ही कोई इंसेक्ट कोई कीड़ा इस फसल को खाता है, ठीक है ना, यानी जैसे ही कोई कीड़ा बीटी फसल को खाएगा, यानी इस जीवाणु के द्वारा जो फसल बनाई गई है उसको जैसे ही खाता है, ये विष उसके लार्वा जो होते हैं या जो जीव होते हैं उनके आहार नाल में प्रवेश करके ये वहां पर समझ लीजिए जहर फैला देगा। इससे होता क्या है, जो कीड़े होते हैं उनकी आंत फट जाती है और कीड़े मर जाते हैं। ठीक, ये है बीटी जीवाणु का कमाल। अब इस फसल को तैयार करने का सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि भाई हर साल हमने बताया ना कि लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद हो रहे हैं फसलों के संरक्षण के लिए, यानी कीट पतंग जो है, जो कीड़े मकोड़े हैं खा जाते हैं, तो इसके द्वारा अब ये फायदा हो जाएगा कि जो भी कीट होंगे अगर इस फसल को खाते हैं या इनकी पत्तियों को खाते हैं, किसी हिस्से को खाते हैं, वो खुद मर जाएंगे। ठीक, तो ये होता है बीटी फसल। तो अब इसके द्वारा तैयार की गई फसल जैसे बीटी कपास, क्योंकि कपास में बहुत ज्यादा कीड़े लगते हैं, और दूसरा बीटी बैंगन, बैंगन में भी बहुत ज्यादा कीड़े होते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए अब लिखेंगे क्या बच्चों कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस, हमने बताया ना, ठीक, जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस नामक जीवाणु का उपयोग किया जाता है, यानी बायो टेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार की गई एक ऐसी फसल जिसमें बैसिलस थुरिंजिएंसिस का उपयोग किया जाता है उसे बीटी फसल कहते हैं, और यह जीवाणु बीटी विष उत्पन्न करता है। हमने बताया ना कि यह जो जीवाणु होता है बीटी विष उत्पन्न करता है। फिर आगे लिखेंगे, जब कोई कीट फसल को खाता है तो यह विष उसके आहार नाल को क्षतिग्रस्त कर देता है, यानी उसकी आंत को ही क्या करेगा भाई, क्षतिग्रस्त कर देगा, डैमेज कर देता है, और वह कीट क्या होता है बच्चों, मर जाता है, यानी वो कीट मर जाता है। तो आगे लिखेंगे, यह फसल क्या है, कीट प्रतिरोधी होती है। ठीक है ना, यानी कहने का मतलब ये कीट प्रतिरोधी फसल होती है, कीट खाएंगे खुद मर जाएंगे। और जैसे में हम बात करें तो इस फसल के एग्जाम्पल में बीटी कपास, बीटी बैंगन आदि, ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी 2023 में 2 से 3 सेट में पूछा गया था। चलिए स्क्रीन शॉट कर लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए हो गया, अब हम आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बेहद लाजवाब है, ठीक, इसी चैप्टर का है, जैविक खाद। ये भी बच्चों हर साल 2 से 3 सेट में जरूर पूछेगा, 100% फिक्स है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट है, जैविक खाद या कहेगा जैविक उर्वरक किसे कहते हैं, या जैविक खाद पर टिप्पणी लिखिए। अब जैविक खाद होती क्या है, जैविक खाद का मतलब वही चीज बच्चों जो फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, हमने बताया ना कि जो किसान जो काम करता है उसके बाद खेतों में जो अवशिष्ट बचते हैं जो सब्जियों के, वो जब सड़ जाते हैं तो उनसे जो खाद उत्पन्न होती है वो होती है जैविक खाद या जैविक उर्वरक, इसको हम खुद ही बनाते हैं। ठीक, तो देखिए होता क्या है कि विभिन्न प्रकार के जीव अपनी जैविक क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में पोषक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि करते हैं, इन्हें ही जैव उर्वरक कहते हैं। यानी जब ये मल मूत्र या कचरा या गोबर जब सड़ने लगता है उसमें सूक्ष्म जीव होते हैं, अब वो सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, क्रिया अंदर उसमें विभिन्न क्रियाएं करते हैं और क्रियाओं के द्वारा मिट्टी में, ठीक है ना, यानी उनके पोषक पदार्थों की मात्रा को क्या करते हैं बच्चों, बढ़ा देते हैं। ऐसे जीवों को ही, ऐसे सूक्ष्म जीवों को ही जैव उर्वरक कहा जाता है। ठीक, यह ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा की उत्पादन शक्ति बढ़ाते हैं, हमने बताया ना ये मृदा की उत्पादन शक्ति को बढ़ाते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि ये फसलों को अकार्बनिक पोषक पदार्थ भी उपलब्ध कराते हैं, जैसे में देखिए बच्चों इसका एग्जाम्पल बेहद जरूरी है, एग्जाम्पल 2023 में 2 सेट में पूछा था कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले 2 सूक्ष्म जीवों का नाम लिखिए। बच्चे घबरा गए थे, कहां से पूछ लिया, कुछ नहीं, यही था जैव उर्वरक यानी जैविक खाद के बारे में ही पूछा था। तो जैसे में यानी नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने का मतलब यह है नाइट्रोजन की मात्रा
को जो बढ़ाते हैं या नाइट्रोजन की मात्रा में जो वृद्धि करते हैं या नाइट्रोजन की मात्रा को जो बनाए रखते हैं वो सूक्ष्म जीव कौन कौन से हैं? राइजोबियम, ठीक, राइजोबियम, दूसरा नॉस्टॉक, तीसरा एनाबीना, ठीक। ये ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मतलब मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ा देते हैं, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों, देखिए कभी कभार ये पूछ लेता है कि जैव उर्वरक रासायनिक उर्वरक की तुलना में अधिक लाभदायक या उपयोगी क्यों है, तो इसका क्या रीजन है? देखिए बच्चों कि ये क्या होते हैं, रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं। कौन? जैविक खाद। जैविक खाद बोले तो कंपोस्ट खाद, जो देसी खाद होती है ना, जो घर पे हम बनाते हैं, तो वह ये क्या होती है कि रासायनिक उर्वरक की तुलना में अत्यधिक उपयोगी होते हैं, क्योंकि ये रासायनिक उर्वरक से सस्ते होते हैं। भाई पहली बात तो जो जैविक खाद है, ठीक, गांव में अगर 1000, 1500 में या 2000 में पूरा ट्रैक्टर की एक टाली जो देसी पास जिसको बोलते हैं गोबर की खाद होती है वो मिल जाती है, लेकिन एक बोरी के लिए हमें 1500 से 2000 रुपए डीएपी पर खर्चा करना पड़ता है, तो समझ लो कितना महंगा है। तो भाई ये क्या होते हैं? सस्ते होते हैं, ठीक, तथा मृदा की उर्वरक शक्ति को नष्ट नहीं होने देते हैं, ठीक, यानी मृदा की उर्वरक क्षमता को ये बनाए रखते हैं, जबकि रासायनिक उर्वरक के उपयोग से दिन प्रतिदिन जो मिट्टी है वो क्या हो रही है? बंजर हो जा रही। आपने नोटिस किया होगा कि जिस खेत में एक बोरी दो बोरी खाद लगती थी वहीं पर लोग आज 5-5, 6-6 बोरी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक खाद, यूरिया, डीएपी, ये सब। कारण क्या है? क्योंकि भाई दिन पे दिन मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म हो जा रही, केचुए वगैरह मर जा रहे हैं, ठीक, उनकी उर्वरक क्षमता बिल्कुल अगर नष्ट हो जा रही है, नाइट्रोजन रह ही नहीं गया है मिट्टी में, तो भाई नाइट्रोजन बाहर से डालना ही पड़ेगा, और इसी से मिट्टी चूना दिन पे दिन बन रही है। तो जो रासायनिक खाद होते हैं वो क्या करते हैं? दिन प्रतिदिन मिट्टी को बंजर बना रहे हैं बच्चों, ठीक, साथ ही पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। भाई बुरा प्रभाव बिल्कुल पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यूरिया जैसे होता है ना कि इसमें हम बात करें तो इसका साल, 2 साल, 3 साल असर होता है। बरसात हुई, यूरिया बहकर नदी, नालों, तालाब में कहीं भी बहकर जा रही है, तो इससे क्या, उसमें रहने वाले जो जल जीव है वो मर जाएंगे, अदर जीव पानी पीते हैं उनके शरीर पर भी बुरा प्रभाव पड़ेगा, या इनका इस्तेमाल करते हैं जो खेतों में कीट होते हैं अगर मर जाते हैं, अदर जो जीव है उनको खाते हैं वो भी मर जाते हैं, तो इससे क्या है, पर्यावरण बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। आपने देखा होगा कि कितनी ज्यादा जो चिड़िया वगैरह थी अब नहीं दिखाई पड़ती है, क्योंकि वो मर जा रही, एक तो रेडियस उनको मार रहा है, दूसरा ये चीज, ठीक, ये रासायनिक उर्वरक का इस्तेमाल, क्योंकि जब वो कीड़े को खाते हैं और कीड़े के अंदर यही जहर तो भाई पूरा का अंदर अंदर है, जब चिड़िया उसको खाएगी वो खुद मर सक जाएगी, ठीक, यही कारण है बच्चों। क्लियर हो गया? तो ये है जैविक खाद, बेहद आसान है, एक बार पढ़ लेंगे ना एकदम मक्खन हो जाएगा, ठीक। चलिए बच्चों स्क्रीन शॉट कर लीजिए, फिर हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए हो गया बच्चों, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड कहां पाए जाते हैं और इनके प्रमुख गुण लिखिए, ठीक। ये भी बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड कहां पाए जाते हैं। कॉपी और पेन साथ में होना चाहिए, नहीं तो समझ लीजिए ना कि भाई आप फिर टॉपर नहीं बल्कि लूजर की श्रेणी में, फेलियर की श्रेणी में जा रहे हैं, क्योंकि एक टॉपर की पहचान होती है ज्यादा से ज्यादा वो लिखने पर फोकस देते हैं, इसलिए ऐसा नहीं कि बस स्क्रीनशॉट करो और भाग लो, नहीं, इनको लिखो। हमने 3-3, 4-4 घंटा लगाकर लिख लिया है, हमने इतना मेहनत किया है, तो आपको तो भाई हमसे 4 गुना मेहनत करना पड़ेगा, है ना, तभी कुछ हो सकता है। चलिए बच्चों देखिए प्लाज्मिड होते क्या, बेहद आसान है बच्चों, इसीलिए बोलते हैं ना कि कोई भी आप क्वेश्चन बैंक मिलाएंगे ना बिल्कुल मैच नहीं होगा, क्योंकि एकदम हम मक्खन बताते हैं, ठीक। चलिए देखिए प्लाज्मिड है क्या, प्लाज्मिड ये जो है होता क्या है, देखिए किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है। प्लाज्मिड क्या है बच्चों, कि जो किसी मतलब कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो गुणसूत्र के डीएनए से बिल्कुल अलग होता है, जो गुणसूत्र के डीएनए से अलग होता है,
और स्वतंत्रता से अपने प्रतिरूप बना सकता है, यानी इस डीएनए में ये क्षमता होती है, ये किसी चीज का कॉपी बना सकता है, अपनी ही कई जीरोक्स बना सकता है, अपनी ही कई कॉपी बना लेगा। ठीक, समझ में आया? मतलब किसी भी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो ये गुणसूत्र के डीएनए से एकदम अलग होता है, ये अपनी खुद प्रतिकृतियां यानी अपनी कई कॉपी बना सकता है, उसे कहते हैं प्लाज्मिड। उसे क्या कहते हैं बच्चों? प्लाज्मिड। अब ये पाए कहां जाते हैं? तो ये अधिकतर बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले डीएनए अणुओं के रूप में मिलते हैं। कहने का मतलब सीधी सी बात है, जो प्लाज्मिड होते हैं वो अधिकांशतः किसमें? बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। ठीक, अब इनके गुण क्या है? इनके गुण, पहला, इनमें स्वतंत्र रूप से प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। प्रतिकृतिकरण का मतलब वही चीज हमने बताया, डुप्लीकेट बनाने की क्षमता, जेरोक्स बनाने की क्षमता। तो इनके अंदर अपनी कई प्रतियां, अपना कई रूप बनाने की क्षमता पाई जाती है। ठीक, अगला है, ये स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं, ये जेनेटिक तरीके से होते हैं, ये स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? अपनी प्रतिकृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी बनाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है कि इन पर प्रतिजैविक प्रतिरोधक जीन उपस्थित होते हैं, यानी प्लाज्मिड पर प्रतिजैविक और प्रतिरोधक जीन उपस्थित होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए, तो इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए बच्चों, इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, हो गया बच्चों। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, इंपॉर्टेंट नहीं बल्कि बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, याद रखना। चलिए देखिए, है क्या पीसीआर? पीसीआर बोली तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन। ठीक, फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लेता है, पॉलीमरेज चैन रिएक्शन, याद रखना। पीसीआर, पी बोले तो पॉलीमरेज, आर का मतलब होता है, मतलब सी का मतलब होता है चैन, आर का मतलब क्या है? रिएक्शन। तो पॉलीमरेज चैन रिएक्शन होता क्या है? देखिए, यह भी एकदम सिंपल है कि पीसीआर एक ऐसी विधि है, पीसीआर एक ऐसी टेक्नोलॉजी, एक ऐसी विधि है बच्चों, जिसके द्वारा कम समय में जीन की कई प्रतिकृतियों का संश्लेषण किया जा सकता है। ठीक, इस कार्य के लिए एक विशेष उपकरण थर्मल साइक्लर का प्रयोग करते हैं। ठीक, यानी इस चैन में, इस चक्र में हम क्या करते हैं? एक थर्मल साइक्लर का उपयोग करते हैं, और पीसीआर के द्वारा भी कम समय में कई प्रतिकृतियां बनाई जा सकती हैं, यानी इसके द्वारा भी जीन की कई, मतलब फोटोकॉपी तैयार की जा सकती है। अब बच्चों, जो ये पीसीआर होता है, तो पीसीआर चक्र में निम्न, मतलब विशेष रूप से ये जो तीन चरण होते हैं, ठीक, पीसीआर में तीन चरण होते हैं, आपको दिख रहा है, पहला है निष्क्रियकरण, तीसरा है तापानुशीलन, दूसरा ये है तापानुशीलन, और तीसरा है विस्तार। अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं अपन डिटेल से। देखिए, जो निष्क्रियकरण होता है बच्चों, इसमें जीन को, ठीक, इसमें जो भी डीएनए होते हैं, ठीक, जीन में जो डीएनए होते हैं, तो इसमें डीएनए को बच्चों क्या करते हैं, ये 92 डिग्री पर एक मिनट तक गर्म करते हैं। ठीक, एक मिनट तक गर्म किया जाता है। ठीक, इतने तक गर्म करते हैं। अब ये इतने समय तक गर्म करेंगे तो जाहिर सी बात है, गर्म करते हैं, जिससे डीएनए के दोनों रज्जुक अलग हो जाते हैं। दोनों रज्जुक, जो दोनों धागे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं। ठीक, अलग हो जाते हैं। ठीक, तो ये होता है बच्चों किसके अंतर्गत? ये निष्क्रियकरण तक। अब उसके बाद जो तापानुशीलन होता है, इसमें क्या करते हैं? इसमें बच्चों लगभग 48 अंश सेल्सियस पर इसमें एक मिनट तक गर्म किया जाता है। ठीक, इसके बाद क्या करते हैं? 48 अंश सेल्सियस पर एक मिनट तक उसको गर्म करते हैं इसके अंतर्गत। ठीक, गर्म करते हैं, ये होता है तापानुशीलन। अब विस्तार में क्या है कि विस्तार में, तीसरी प्रक्रिया में, इसे लगभग 27 अंश सेल्सियस
पर एक मिनट तक यहां पर भी क्या है इसको गर्म किया जाता है। अब इसमें बच्चों ये होता है विस्तार, ठीक, ये 27 अंश सेल्सियस पर एक मिनट तक गर्म किया जाता है, किसमें, विस्तार प्रक्रिया में। इस तरह से ये पीसीआर की चेन रिएक्शन काम करती है और इस तरह से इसे बार बार दोहराया जाता है, लगभग इसको 30 से 40 बार 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 वही दोहराना होता है, ठीक। इसकी प्रक्रिया को 30 से 40 बार ये साइक्लो में, मतलब ये इसका जो साइक्लोट्रॉन होता है, बार बार ये रिएक्शन होती है, बार बार ये प्रक्रिया होती है, कि किसके अंतर्गत, पीसीआर के अंतर्गत। क्लियर हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बायो रिएक्टर, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब इसमें देखिए हर क्वेश्चन हर साल पूछे गए हैं, ठीक, इसलिए कह रहे हैं इनको बिल्कुल नजरअंदाज मत करना बच्चों, नहीं तो वही होगा, बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन दिखाई पड़ेंगे, फिर यही रोना होगा कि काश मोनू सर की बात हमने मान ली होती तो ये दिन ना देखना पड़ता, ठीक। तो ऐसी धारणा ना हो, ये दिन ना देखना पड़े, इसलिए आज ही कमर कस लीजिए और जमकर इनको एकदम से लपेट दीजिए, ठीक। क्वेश्चन है बायो रिएक्टर क्या है, बायो रिएक्टर है क्या, ठीक, बायो रिएक्टर या फिर इसको कहेगा विडोलक, ठीक, या इसको पूछता है बच्चों बायो रिएक्टर कहता है या विडोलक हाउस कहता है, ठीक। ये भी 2023 में दो सेट में पूछा था कि बायो रिएक्टर क्या है या फिर कहेगा विडोलक हाउस, मतलब विडोलक हाउस पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बायो रिएक्टर होता क्या है, बायो रिएक्टर एक बड़ा सा गोलाकार बर्तन होता है, एक पात्र की तरह होता है बर्तन, ठीक, मतलब एक बड़ा सा बच्चों इस तरह से एक ऐसे गोलाकार ये पात्र होता है जो क्या है तेजी से घूमता रहता है, ठीक। तो उसमें होता क्या है कि इसमें किसी पादप कोशिका, सूक्ष्म जीव, ठीक, मानव, मतलब कि जो अदर जीव होते हैं उनकी कोशिकाओं के संवर्धन द्वारा या संश्लेषण करके एक प्रोडक्ट तैयार किया जाता है या एंजाइम उस बनाते हैं, ठीक, वो होता है बायो रिएक्टर। तो लिखना क्या है कि बायो रिएक्टर एक बड़े बर्तन के समान होता है, मतलब इसमें एक जैसे ड्रम होता है ना, एक ड्रम की तरह होता है जो घूमता रहता है, एक बड़े बर्तन के समान होता है जिसमें सूक्ष्म जीवों, अभी बताया ना, सूक्ष्म जीवों, पादपों, जंतुओं या मानव कोशिकाओं के संवर्धन से प्राप्त कच्चे पदार्थों को जैविक रूप से विशिष्ट उत्पादों तथा एंजाइमों आदि में परिवर्तित किया जा सकता है। यानी जो ये बायो रिएक्टर है एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि ये एक बड़े से बर्तन की तरह होता है, एक हाउस की तरह होता है जिसमें हमने बताया प्लांट सेल्स, ह्यूमन सेल्स या अदर जो भी जीव होते हैं उनके सेल्स यानी कोशिकाओं के संवर्धन के द्वारा जो कच्चे पदार्थ होते हैं उनका संश्लेषण करके उन्हें उत्पाद या एंजाइम के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। आगे लिखेंगे बच्चों की बायो रिएक्टर वांछित उत्पाद की प्राप्ति के लिए अनुकूल परिस्थितियों, ताप, पीएच, विटामिन, लवण या ऑक्सीजन आदि उपलब्ध कराता है, ठीक। और हम बात करें तो विडोलक जो हाउस है, विडोलक हाउस सर्वाधिक उपयोग में आया, मतलब सर्वाधिक उपयोग में आने वाला क्या है, बायो रिएक्टर है। तो चाहे विडोलक हाउस के बारे में पूछे या बायो रिएक्टर, दोनों सेम है, ठीक, एक ही कॉन्सेप्ट कर काम करते हैं, वही चीज ये दोनों है, इतना याद रखना, ठीक है ना। चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया, चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों पारजीनी, ये परजीनी है, पारजीनी, ठीक, पारजीनी जंतु किसे कहते हैं या इसी को हिंदी में ही इस तरह पूछता है, ट्रांसजेनिक, ठीक, ट्रांसजेनिक जीव क्या है, पारजीनी जंतु कहेगा या बच्चों ट्रांसजेनिक, अंग्रेजी वर्ड को हिंदी में ही पूछ लेता है,
ट्रांसजेनिक का मतलब ही होता है पारजीनी, लेकिन पारजीनी ना पूछकर कभी कभार ट्रांसजेनिक जीव क्या है, ठीक, ये पूछ लेता है। अब देखिए पारजीनी जंतु होता क्या है, तो देखिए इसमें क्या होता है कि जैव प्रौद्योगिकी, जो जैव प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर है उसी से है, तो जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी। अब जैव प्रौद्योगिकी भी अगर ना समझ में आया कि है क्या, तो जैव प्रौद्योगिकी बच्चों एक ऐसी तकनीकी होती है जिसमें जीवों की जीन में, जीवों के जीन में फेर बदल करके क्या करते हैं, अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, या जो भी दोषपूर्ण जीन होते हैं उनके स्थान पर दूसरा जीन पहुंचा दिया जाता है, यही सब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो पारजीनु मतलब पारजीनी जंतु होते क्या है, ठीक, ऐसे जीव या ऐसे जंतु जिनमें बायो मतलब टेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके जीन में हेर फेर करके या फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा देते हैं, जो क्या करता है उनका स्थान ले लेगा, यानी उन उस जीन का स्थान लेगा, वो भाई आएगा तो वो अपना लक्षण दिखाने लगेगा। जैसे हमारे अंदर किसी और का जीन प्रवेश करा दिया जाए तो जिसका प्रवेश कराएंगे वो जीन हमारे अंदर अपने लक्षण को प्रकट करने लगेगा, यानी अपना लक्षण दिखाने लगेगा, ठीक। तो वो चीज होता है बायो मतलब टेक्नोलॉजी के द्वारा या जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा किसी जंतु के जीन में फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, तो ऐसे जीव को या ऐसे जंतु को पारजीनी जंतु कहते हैं। अब जब प्रवेश करा देंगे तो वो जीन अपने लक्षण को दिखाने लगेगा और इससे एक नई प्रजाति जीवों की तैयार हो जाती है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, जब इस पर भाई किसी जीव पर जब एक्सपेरिमेंट करते हैं बच्चों, तो होता क्या है भाई, उस जीव के अंदर शारीरिक बनावट भी बदल जाती है, भाई उसकी लंबाई ज्यादा हो सकती है, कम हो सकती है, उसकी प्रजाति बदल जाएगी, तो इससे क्या होता है कि रोगों के बारे में अध्ययन हो सकता है इससे, या कोई अन्य हम बात करें कि जो जैसे स्थितियों का पता लगा लेते हैं, ये सब किया जाता है किसके द्वारा, पारजीनी जंतुओं, ठीक। यानी कोई भी चीज एक्सपेरिमेंटल करते हैं तो जीवों पर करते हैं, उसी के द्वारा हम विभिन्न प्रकार की चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं लिखना कैसे है, ऐसे जंतु जिनके जीन में जीनी अभियांत्रिकी द्वारा या जैव प्रौद्योगिकी द्वारा या बायोटेक्नोलॉजी द्वारा या जीनी इंजीनियरिंग द्वारा, कुछ भी कहो बच्चों, क्या द्वारा क्या करके फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है। यही तो हमने बताया ना कि ऐसे जंतु जिनमें जीनी अभियांत्रिकी के द्वारा जीन में क्या करते हैं, फेर बदल करके एक अतिरिक्त जीन प्रवेश करा दिया जाता है, तो उसे कहते हैं बच्चों पारजीनी जंतु। यह जीन अपना लक्षण व्यक्त करता है, ठीक भाई, जो जीन हम प्रवेश कराएंगे, वही तो बताया ना कि किसी जीव में अगर अतिरिक्त जीन प्रवेश कराएंगे तो वो जीन अपना लक्षण दिखाएगा, ठीक, तथा इससे एक नई प्रजाति का विकास हो जाता है, एक नई प्रजाति बन जाती है बच्चों, जैसे डॉली भेड़, कागा गाय, मेरा बकरी, ये सब जीनी अभियांत्री है, तो प्रजाति बकरी भाई, जैसे भेड़ है तो ये भेड़ की ही प्रजाति, लेकिन डॉली भेड़ नाम रख दिया गया है क्योंकि इसको जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा तैयार किया गया है, ये भेड़ की एक अलग नस्ल हो जाती है, नाम रख दिया गया डॉली भेड़। अगला जैसे कागा गाय, ठीक, गाय की एक प्रजाति है कागा गाय, इस तरह से बकरी मेरा बकरी, जैसे होता है ना कि भाई एक और बकरी आती है गांव देश में, आपने देखा होगा राजस्थान में ज्यादातर होती है, ठीक, उसके कान बहुत, तोता परी जिसको बोलते हैं, जिसके कान बहुत ज्यादा लंबे, यूं एक एक हाथ के उनके कान होते हैं, तोता परी, ठीक, तो ये क्या है, एक और बकरी होती बहुत ज्यादा ऊंट की तरह लंबी हो जाती है, तो ये क्या है तो बकरी ही है लेकिन एक नई प्रजाति। अब होता क्या भाई, उनको तैयार ऐसे ही किया जाता है। अब देखिए बच्चों कि इन जीवों का मतलब जीवों को तैयार करने का उद्देश्य क्या है, कि इनका उपयोग सामान्य शरीर की क्रिया विधि व विकास, ठीक, यानी इनके द्वारा पता चल जाता है कि कोई जीव में कितना वृद्धि व विकास हो रहा है। अगला रोगों का अध्ययन, ठीक, इससे रोगों का अध्ययन भी हो जाता है, साथ ही जैविक उत्पाद या टीका आदि के लिए किया जाता है, ठीक, यानी इन जीवों का उपयोग। क्लियर हो गया,
चलिए ठीक, आई होप कि आप अच्छे से समझ पाए होंगे। चलिए बच्चों इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए हो गया, अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन चिकित्सा। क्या है बच्चों? जीन चिकित्सा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है। जीन चिकित्सा होता क्या है? सेम अभी जो कुछ हमने बताया उसमें जो मतलब थोड़ा सा बदलाव करना है। जीन चिकित्सा एक मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी होती है या एक ऐसी विधि होती है, जैसे कोई आदमी मान के चलो बीमार है, अब उसके बाद क्या है भाई वो ठीक नहीं हो रहा है, उसके अंदर दोष पूरे जीन भरे हुए हैं, फिर जीन चिकित्सा का उपयोग करके करते क्या है कि किसी स्वस्थ व्यक्ति का एकदम हेल्दी होता है स्वस्थ व्यक्ति के जीन को उसके शरीर में अगर प्रवेश करा दिया जाता है तो वो जो जीन है उसके अंदर के दोषपूर्ण जीन को क्षतिपूर्ति करके यानी उसको खत्म करके उसको नष्ट करके क्या करेगा भाई, ये अपना काम करने लगेगा। ठीक, समझ में आया हमने क्या बताया बच्चों कि जीन चिकित्सा एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति के दोषपूर्ण जीन को एक अतिरिक्त जीन के द्वारा हटा करके यानी उसकी क्षतिपूर्ति करके वो क्या करता है उस जीन का कार्य करने लगता है, यानी उस जीन का स्थान ये खुद ले लेगा। किसके अंतर्गत आता है? जीन चिकित्सा के अंतर्गत। क्लियर हो गया? चलिए लिखेंगे कैसे, एकदम आसान है बच्चों, कि जीन चिकित्सा के अंतर्गत मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को दोषपूर्ण, अभी हमने बताया ना किसी व्यक्ति के अंदर कोई दोषपूर्ण जीन है तो मानव में उपस्थित दोषपूर्ण जीन को स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदला जाता है। कि किसी के अंदर कोई दोषपूर्ण जीन है तो उसको किसी स्वस्थ व एक्टिव जीन से क्या करेंगे, बदल देंगे। ठीक, जीन चिकित्सा द्वारा किसी बच्चे या भ्रूण में चिन्हित किए गए जीन के दोषों का सुधार किया जाता है। इसमें रोगों के उपचार के लिए जीन को क्या करते हैं, कोशिकाओं या ऊतकों में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक, कोशिकाओं या ऊतकों में बच्चों प्रवेश करा देते हैं जीन को, जो निष्क्रिय जीन की क्षतिपूर्ति करके यानी उसके स्थान पर ये खुद जाएगा, ठीक उसकी भरपाई करेगा और उसके बाद उसके कार्यों को ये संपन्न करते हैं। ठीक, उसके कार्यों को संपन्न करते हैं। अब जीन चिकित्सा का पहला एक्सपेरिमेंट बात करें, जीन चिकित्सा का सबसे पहला उपयोग सन 1990 ईस्वी में 4 वर्षीय यानी 4 साल की एक लड़की में, ठीक एडिनोसिन डाइएमिनेज नामक, ठीक एडिनोसिन डाइएमिनेज की कमी को दूर करने के लिए किया गया था। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, समझ में आ गया कि जीन चिकित्सा के अंतर्गत क्या करते हैं, कोई दोषपूर्ण किसी व्यक्ति के शरीर में दोषपूर्ण जीन है तो उसको किसी अच्छे स्वस्थ व क्रियाशील जीन से बदल देते हैं। जब उस जीन को व्यक्ति के भ्रूण मतलब व्यक्ति के कोशिका में प्रवेश करा देते हैं तो ये जीन उस दोषपूर्ण जीन को क्या करेगा, उसका स्थान ले लेगा और उसके बाद उसके कार्यों को खुद करने लगता है। ठीक, समझ में आ गया। तो ये कभी कभार अगर पूछ लेता है भाई इसका सर्वप्रथम उपयोग कहाँ हुआ था, तो हालांकि इतना डीपली नहीं पूछेगा, लेकिन बच्चों हमने फिर भी लिख दिया है आपकी जानकारी के लिए। ठीक, चलिए क्लियर हुआ, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सहोपकारिता। देखिए ये जो चैप्टर है आपका, ये हम बात करें आपका एक प्रकार से जैसे पर्यावरण से मतलब उससे कुछ रिलेटेड है, ठीक पारितंत्र से। अब देखिए इसमें 3 से 4 टिप्पणियां हैं इस चैप्टर में, एक सहोपकारिता, सहभोजिता, परोपकारिता, तीन के तीनों बेहद इंपॉर्टेंट है। इनके आने की जो पॉसिबिलिटी है, संभावना है बच्चों, वो बहुत ही ज्यादा है। ये मान के चलिए कि 95% श्योर है पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके टिप्पणी वाले क्वेश्चन ज्यादा होते हैं,
तीन नंबर वाले, और ये सारे क्वेश्चन जो हम आज आपको बता रहे हैं सब तीन नंबर वाले हैं। और 12 क्वेश्चन आते हैं इस तरह से, 12 3 36, भाई 70 में से 36 नंबर आपके केवल तीन नंबर वाले क्वेश्चन जो ज्यादातर टिप्पणी बेस्ड होते हैं। ठीक, तो सहोपकारिता है क्या? देखिए भाई, दो जीव हैं, एक ये है एक ये है। यहां पर मान लेते हैं जैसे कोई सूक्ष्म जीव है, कोई सूक्ष्म जीव है, और लाइक दैट सवाल वगैरह हो गया, और ठीक है ना, जैसे राइजोबियम हो गया, माइकोराइजा हो गया, ठीक, ये चीज साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सूक्ष्म जीव है, और इधर पेड़ पौधे हैं, ठीक, इधर कोई पौधे हैं। तो ये दो जीव समझ लीजिए हैं, ध्यान से समझना बच्चों, परिभाषा रटने की जरूरत नहीं, क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि सहोपकारिता, सह का मतलब साथ, उपकारिता का मतलब उपकार करना, भाई ये क्या कर दे, ये वाला जो है इसके ऊपर उपकार कर दे और ये वाला इसके ऊपर उपकार दे, ठीक, यानी सहोपकारिता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव के कारण दूसरे को लाभ होता है, यानी जिसमें दोनों जीवों को एक दूसरे के कारण लाभ होता है। ठीक, जैसे क्या होता है भाई, जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं नाइट्रोजन, ठीक, उसका स्थिरीकरण करते हैं, ठीक, उसका स्थिरीकरण करते हैं, और वो नाइट्रोजन पौधों के लिए उपयोगी होता है, और पौधों की जड़ों में ही रह करके ये अपना भोजन भी प्राप्त करते हैं, तो ये शैवाल हो गया। ठीक, तो ये चीज होते हैं बच्चों। तो जब क्या होता है कि जब एक जीव के कारण दूसरे को और दूसरे के कारण पहले को, दोनों को एक दूसरे के कारण लाभ हो, तो ऐसी पारस्परिक क्रिया को क्या कहते हैं बच्चों, सहोपकारिता बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। परिभाषा कैसे लिखेंगे चलिए देख लेते हैं। लिखेंगे बच्चों सहोपकारिता दो प्रजातियों के बीच, दो प्रजातियों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया, पारस्परिक का मतलब एक दूसरे के प्रति, ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें दोनों जातियों को, हमने बताया ना बच्चों इसमें क्या होता है, जिसमें दोनों जातियों को, ठीक, एक दूसरे के कारण लाभ होता है। अभी वही तो बताया कि जब दो जीवों को एक दूसरे के कारण दोनों को लाभ हो तो इस संबंध को कहते हैं सहोपकारिता। एकदम सरल लैंग्वेज में कि जब दो जीवों को एक दूसरे के कारण दोनों को लाभ हो तो इस संबंध को कहते हैं सहोपकारिता। ठीक है ना, और क्योंकि दोनों क्या है, जातियां एक दूसरे पर इसमें निर्भर होती हैं, जैसे पादप तथा शैवाल के बीच में संबंध, जैसा कि अभी हमने आपको बताया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखना रसगुल्लों। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए इसको। हो गया बच्चों, अगला आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सहभोजिता, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। हमने बोला ना कि इस चैप्टर में बच्चों 3 से 4 टिप्पणियां हैं और हर साल हर सेट में पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए बिल्कुल इसको हम अभी, इस पर तो ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं करना है। है क्या सहभोजिता, सहभोजिता इसको समझिए, ये बहुत ही ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसको दो तरीके से पूछता है, एक तो पूछेगा सहभोजिता क्या है, या फिर कहेगा सहभोजिता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, या फिर कहेगा कि आम के पेड़ पर आर्किड का पौधा उगा है तो आम और आर्किड के बीच में कौन सा संबंध है, ये पूछता है। ठीक, चलिए समझते हैं आम क्या है, आर्किड क्या है, सब बताएंगे, आम तो पता ही है। देखिए बच्चों, जैसे इसको भी अपन समझते हैं, एक जीव यहां पर है, दूसरा यहां पर है। ठीक, इसमें क्या है कि ये वाला जो जीव है, पहला वाला है, इस पे निर्भर है, लेकिन ये इसको है ना, इसको इस वाले से कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं। हमने क्या बताया, ठीक, इसको तो इसके द्वारा लाभ मिल रहा है, ठीक, यानी ये वाला जो जीव है इससे लाभ प्राप्त कर रहा है, लेकिन इस वाले को इससे कोई मतलब नहीं। अब हुआ इसका अर्थ ये कि जब
दो जीवों में एक जीव को दूसरे के कारण लाभ होता है और दूसरे को ना लाभ होता है ना हानि होती है, देन इस संबंध को कहते हैं सहभोजिता। क्या बोलते हैं बच्चों? सहभोजिता। ठीक, क्लियर हो गया। हमने क्या बताया कि जब एक जीव को दूसरे के कारण, मतलब दूसरे जीव के कारण लाभ होता है और दूसरे वाले को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इसको बोलते हैं सहभोजिता। क्लियर हुआ? परिभाषा लिखेंगे कि दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, ठीक, एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे जीव को ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है। ठीक, ना लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तो इस संबंध को कहते हैं सहभोजिता। जैसे आम के पेड़ पर आर्किड, मतलब आम के पेड़ तथा आर्किड में संबंध। अभी को समझिए बच्चों, थोड़ा समझिए, ध्यान से देखिए। अब इसमें होता है ये जो संबंध है, ठीक, जो आम के पेड़ पर आपने देखा होगा आर्किड का पौधा उगा होता है जिसमें केसरिया कलर के थोड़ा लंबे लंबे फूल होते हैं, ठीक, पतले पतले, जिसको बाना कहा जाता है। गांव देश भी आपके यहाँ क्या बोलते हैं आई डोंट नो, लेकिन हमारे यहाँ उसको बाना कहते हैं। उसकी डाल बहुत मुलायम होती है, जड़ें वायवीय होती हैं। वो समझ लो कि पेड़ पर उगते तो हैं लेकिन आम के पेड़ पर वो केवल आधार है, टिके रहने के लिए है, जबकि वो आम से अपना भोजन ग्रहण नहीं कर रहे हैं। ठीक, आम से अपना भोजन नहीं ले रहे, उनकी जड़ें वायवीय हैं, लेकिन उसको लाभ तो हो रहा है क्योंकि भाई एक माध्यम बन जा रहा है, वो उसको आधार दे रहा है, उसी पर उगते हैं। ठीक, ज्यादा आम के ही पेड़ पर होते हैं, बाकी अदर पेड़ पर भी होते हैं। ठीक, तो इसमें होता क्या है बच्चों कि आम के पेड़ तथा आर्किड में संबंध इसमें क्या है कि आम को तो, आपको डिटेल्स में समझाना पड़ेगा जब आएगा, इसमें आम को तो, सॉरी, ये जो आर्किड होता है बच्चों, इसमें आर्किड को, आर्किड ये पौधे का नाम है, आर्किड को तो लाभ होता है। ठीक, लाभ होता है, लेकिन लेकिन आम को, आम को ना तो लाभ होता है, आम को ना तो लाभ होता है और ना ही हानि, और ना ही हानि। ठीक, क्लियर हुआ? ठीक, तो ये चीज होता है, पूछता है कि आम तथा आर्किड के बीच कौन सा संबंध होता है, स्पष्ट कीजिए। तो लिखेंगे कि आम तथा आर्किड के पौधे के बीच में, आम का जो पेड़ होता है आर्किड के बीच में सहभोजिता का संबंध होता है जिसमें आर्किड को तो आम के कारण लाभ होता है लेकिन आम को ना तो लाभ होगा, ठीक, ना तो लाभ मतलब ना तो हानि, यानी आम को आर्किड से कोई मतलब नहीं है, उससे ना तो उसका कोई फायदा होता है ना तो नुकसान होता है। इसी तरह का एक और संबंध है, इसी तरह का एक और संबंध है, जैसे हम बात करें बच्चों, अगला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे इस पर, तो वो है व्हेल, ठीक, व्हेल मछली तथा बारनेकल, बारनेकल के बीच संबंध, के बीच संबंध। देखिए अब कहेंगे ये क्या है, गौर से देखिएगा, अगर आपने आज तक ना देखा हो आज ही सर्च मारिए। जो व्हेल मछली होती है, जैसे ही, यानी व्हेल मछली के शरीर पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में छोटे छोटे सीप के आकार के बारनेकल चिपके होते हैं, ठीक, तो बारनेकल का ठिकाना व्हेल मछली का शरीर है लेकिन व्हेल मछली को ना तो इससे कोई लाभ है और ना ही इससे भाई कोई इसका लॉस है, यानी ना तो नुकसान है, ठीक, कोई हानि भी नहीं है, लेकिन बारनेकल को तो उसके कारण लाभ हो रहा है। आप सर्च मारेंगे बारनेकल, लिखेंगे ना तो व्हेल के पूरे शरीर पर छोटे छोटे चिपके रहते हैं, वो होते हैं बारनेकल। तो बारनेकल जो जीव है उसको मछली से भाई लाभ समझ लो हो रहा है, उसका तो घर है, ठिकाना है, लेकिन व्हेल मछली को ना तो लाभ है बच्चों और ना ही कोई हानि होती है। क्लियर हो गया? चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिस्पर्धा, यह भी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक, प्रतिस्पर्धा या इसको स्पर्धा अकेले बोलेगा,
ठीक, चाहे प्रतिस्पर्धा कहे या स्पर्धा के लिए कहे। अब स्पर्धा है क्या, देखिए बायोलॉजी में अधिकांश जो क्वेश्चन होते हैं वर्ड्स जो शब्द होते हैं ना उन्हीं में उसका पूरा उत्तर छिपा होता है। स्पर्धा अंग्रेजी में कंपटीशन। अब कंपटीशन का मतलब आपको बताने की जरूरत नहीं भाई, आप पढ़ रहे हैं जाहिर सी बात आपकी तरह लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं तो है ना, उनके बीच और आपके बीच में है कंपटीशन। किसके लिए, टॉपर के लिए, टॉपर बनने के लिए कंपटीशन है कि नहीं, है कि नहीं, बिल्कुल है बच्चों। इसी तरह जो जीव होते हैं, कोई भी जीव, जंगली जीव हो ठीक, या कोई पेड़ पौधे हैं या अन्य कोई जीव है, हर एक जीव में किसी भी संसाधन को लेकर के स्पर्धा होती है। जैसे कुत्ता है, कुत्ते बैठे हैं, दो चार कुत्ते हैं, हड्डी फेंक दो फिर तमाशा देखो भाई, वो क्या है, लड़ झगड़ जाएंगे, जो पावरफुल होगा, जो मजबूत हो जाएगा, कमजोर पर हावी हो जाएगा, उसके बाद कहेगा तुम्हारी ऐसी की तैसी ये हड्डी मैं लूंगा, है ना। या फिर कोई खाना वगैरह आप रख देते हैं तो उसमें भी यही चीज होता है, जो दुबला पतला है वो तो साइड में बैठा रहेगा, बोलेगा मुझसे क्या मतलब, चलो आज नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं होगा, तुम ही खा लो क्योंकि तुम मजबूत हो, तुम पावरफुल हो। तो ये चीज होता है। तो जीवों के बीच में स्थान को लेकर भाई, रहन सहन को लेकर के, स्थान, भोजन, जल, हवा, पानी, कुछ भी कहो आप, इन सब चीजों के लिए जब जीवों के बीच में संघर्ष होता है, स्ट्रगल होता है, लड़ाई होता है, देन उस कंडीशन को, उस स्थिति को, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा कहते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? तो लिखेंगे क्या भाई, लिखेंगे जीवों के बीच स्थान, एक भोजन, जल, खनिज लवण तथा अन्य संसाधन के लिए जब संघर्ष होता है तो इस क्रिया को स्पर्धा या प्रतिस्पर्धा कहते हैं। हमने बोला ना भाई, जीवों के मतलब जीवों में जाहिर सी बात है कोई भी जीव है, संसाधन को लेकर, खाने को लेकर के, पानी को लेकर के, अदर चीज को लेकर के, रहन सहन को लेकर के, जनन को लेकर के, हर जीवों में संघर्ष होता है, हर जीवों में लड़ाई होती है, उसी को प्रक्रिया को कहते हैं हम स्पर्धा। अब ध्यान से समझना, स्पर्धा दो प्रकार का होता है ठीक। जो स्पर्धा है बच्चों, स्पर्धा इतना समझिए, स्पर्धा जो है वो दो प्रकार, एक होता है अंतरजातीय, अंतरजातीय, एक होता है अंतराजातीय। दोनों में थोड़ा सा मतलब अर्थ मतलब फर्क है बस ठीक, एक अंतर एक अंतरा। अंतर जातीय स्पर्धा होता क्या है, जब समान एक ही जाति के जीवों के बीच में जब स्पर्धा हो तो उसे अंतर जाति कहते हैं। जैसे मैंने बोला ना कि आप खाना दीजिए और कुत्ते कुत्ते के बीच में ही लड़ाई हो जाए, अंतर जाति है ठीक, अंतर जाति है। जैसे भैंस चल रही है भाई, वहां पर चारा के लिए दो से चार भैंस चल रहे हैं, आपस में भिड़ जाए, अंतर जातीय स्पर्धा है। तो एक ही जाति के जीवों के बीच होने वाली स्पर्धा को अंतर जातीय स्पर्धा कहते हैं। एक होता है अंतरा जाति, अंतरा जब अलग अलग प्रजाति के जीवों के बीच, जैसे जंगली जानवर है और मनुष्य है, तो दोनों भाई जिंदा रहने के लिए वो सोचेगा कि हम मनुष्य को मार देंगे, खा जाएंगे तो भाई हम सेफ रहेंगे, मनुष्य सोचेगा कि हम उसको मार देंगे तो हम सेफ रहेंगे ठीक। तो ये होता है अंतरा जाति। तो वही चीज है कि जब यह स्पर्धा एक ही जाति के जीवों के बीच होती है बच्चों तो इसे कहते हैं अंतर जातीय स्पर्धा। तथा जब स्पर्धा विभिन्न जातियों के बीच में होती है तब इसको बोलते हैं अंतरा जातीय स्पर्धा। क्लियर हो गया ना, अब तो समझ में आ गया बच्चों। देखिए ये चीजें बहुत ज्यादा मतलब रट्टा मारने वाली चीजें नहीं है, एक बार आप सुन लिए बढ़िया तरीके से, डेफिनेटली बच्चों क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट ठीक, है ना भाई। अब इतना से आसान हो नहीं सकता, जितना हो सकता है बच्चों उतना सरल से सरल हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं ठीक। चलिए इसको भी स्क्रीन शॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों हो गया, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन की भी हम बात कर रहे थे पहले ही, परजीविता क्या है। परजीवी का मतलब होता है, पर का मतलब दूसरे, जीविता यानी दूसरे पर निर्भर होना या उस पर जीविका चलाना। जब एक जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है तो ऐसे जीव को परजीवी जीव कहते हैं और इस प्रक्रिया को परजीविता कहते हैं।
ठीक, क्लियर हुआ? हमने क्या बताया कि जब कोई जीव किसी दूसरे जीव के शरीर पर रह करके अपना भोजन प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं परजीवी जीव, यानी ऐसे जीव को बोलते हैं परजीवी जीव। ठीक, और इसमें होता क्या है भाई, इस प्रक्रिया को परजीविता कहते हैं। इसमें होता क्या है कि दोनों जीवों में एक जीव को तो लाभ होता है लेकिन दूसरे को हानि होती है। ठीक, लाइक दैट जू, जू, जू का मतलब जो जुआ होती है ना, जो जू होता है। ठीक भाई, जू है, अगर हम बात करें खटमल है, खटमल है, ठीक, मच्छर है, ये सब इसी श्रेणी में आएंगे, ये सबके सब बच्चों इसी श्रेणी में आ जाते हैं। लिखेंगे क्या पहले वो देख लेते हैं कि ऐसे जीव, ये क्या जीव कहां से लिख उठा भाई, पता है जीव वाला कुछ ज्यादा ही मेहरबान है। ठीक, यहां पर जीव होगा, इतना याद रखना, तो इतना समझदार हो। ऐसे जीव जो दूसरे जीवों के शरीर पर रहकर अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें परजीवी कहते हैं। ठीक, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, परजीवी कहते हैं। और परजीविता, ठीक, अब है क्या वो समझिए, परजीविता दो जीवों के बीच होने वाली ऐसी पारस्परिक क्रिया है जिसमें एक जीव को तो लाभ होता है, एक जीव को क्या होगा बच्चों, लाभ होता है, जबकि दूसरे जीव को हानि होती है। भाई आपके सर में जू है, अब ये मत कहिएगा सर हम तो टकले हैं, है ना, ये समझिए, अगर आपके सर में जू है तो जू आपका खून पी रही है, उसे लाभ हो रहा है लेकिन अपने को तो हानि हो रहा है ना, हमारा खून जा रहा है। इसी तरह खटमल है, भाई खटमल अगर काट रहे हैं तो खटमल को तो लाभ ही लाभ, उनकी मौज है, बट अपने को क्या, अपना तो खून जा रहा है, अपने को नुकसान है। इसी तरह मच्छर है, जहां काटेंगे खून निकाले, इंजेक्शन लगाए, लेके चल दिए। तो ये होते क्या है, परजीवी में आते हैं। ठीक, क्लियर हो गया, परजीविता क्या है, जब दो जीवों में एक जीव को दूसरे के कारण लाभ हो और दूसरे वाले को हानि हो तो होता है परजीविता। ठीक, क्लियर, चलिए स्क्रीनशॉट कर लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है खाद्य श्रृंखला पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खाद्य, खाद्य का मतलब क्या है, खाना, श्रृंखला का मतलब क्या है, एक श्रेणी, ठीक, एक पंक्ति। अब इसमें होता क्या है, खाद्य श्रृंखला यानी एक ऐसी श्रृंखला होती है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है और उस जीव को कोई और जीव खाता है, यह श्रृंखला कहलाती है खाद्य श्रृंखला। आप किसी भी बुक में देखोगे ना, कोई भी किताब उठाइए, कोई भी बुक, कोई भी क्वेश्चन बैंक, आपको इस तरह का डेफिनेशन कहीं नहीं मिलेगा। इसीलिए बोलते हैं बच्चों कि हम हमेशा सबसे यूनिक रखते हैं, एकदम मक्खन लगे, एकदम हलवा लगे। परिभाषा देखिए बहुत सिंपल है कि किसी पारितंत्र में, पारितंत्र बोले पर्यावरण में, ठीक, किसी पारितंत्र में जीवों की वह श्रृंखला या वह पंक्ति जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है तथा स्वयं अन्य जीवों के द्वारा खाया जाता है। भाई वो भले दूसरे को खाएगा लेकिन उसको खाने वाला कोई और बैठा है, तो ये जो श्रृंखला होती है, जो एक मतलब क्रम होता है, इसी को अपन बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। और खाद्य श्रृंखला में ध्यान देना बच्चों, इसमें पोषक स्तर में जो ऊर्जा का प्रवाह होता है, यानी ऊर्जा एक दिशिक होती है, एक दिशा में चलती है। ठीक, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे घास है, ठीक, घास है, उसके बाद भाई टिड्डा है, उसके बाद मेढक है, उसके बाद सर्प है, उसके बाद बाज है। अब इसको समझिए थोड़ा ध्यान से, देखिए बच्चों इसमें क्या है, हमने यही तो बताया, इस खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे जीव को खाता है। घास को खाने वाला कौन है, टिड्डा है, घास को टिड्डा खा रहा है। अब फिर वही तो है भाई, उसको दूसरे को खाएगा और स्वयं अन्न के द्वारा खाया जाता है। और टिड्डा को खाने वाला कौन बैठा है, मेढक है। टिड्डा मतलब टिड्डा किसका निवाला बन गया, मेढक का। मेढक भाई खा गया लेकिन मेढक को खाने वाला कोई और बैठा है, सर्प बैठा है। अब सर्प को भी खाने वाला कौन, कोई और है, बाज है। अब बाज को भी भाई, ये पेड़ पौधे पर बैठे, इनको भी खाने वाला बाघ है,
चीता है, शेर है ना। तो ये चीज बच्चों, ये जो आपकी एक सीरीज है, एक श्रृंखला है, यही कहलाती है खाद्य श्रृंखला, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला वो श्रृंखला है जिसमें एक जीव दूसरे को खाता है और स्वयं किसी और के द्वारा खाया जाता है, उस श्रृंखला को कहते हैं खाद्य श्रृंखला। अब इसमें ऊर्जा का प्रवाह देखिए इसी दिशा में हो रहा है, ऊर्जा यहां से ट्रांसफर होकर इसमें आ रही है, इसमें से ऊर्जा मेढक में जा रही है, मेढक से सर्प में, सर्प से बांझ में, तो ये एक दिशिक ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है। क्लियर हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम देख लेते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वन्य जीव अभयारण्य क्या है, ये लास्ट चैप्टर में से है, बेहद इंपॉर्टेंट है भाई। बोलते बोलते समझ लीजिए मुंह दर्द करने लगा, लेकिन कहते हैं ना कि भाई हम आपके दुख दर्द को समझ रहे हैं, तो अब वक्त नहीं है कि बढ़िया तरीके से बस यूं ही ऐसे ये पढ़ो वो पढ़ो, नहीं बच्चों, हम जानते हैं, हम उस दौर से गुजरे हैं, इसलिए आपके साथ ये ना हो, आपको टॉप करवाना है, क्योंकि मोनू सर का नाम रोशन आप सबको करना है, एमके सर इंस्पिरेशन का नाम बुलंदियों तक ले जाना है, इसलिए हमें दिन रात मेहनत करना पड़ेगा, तभी तो आपका भविष्य चमकेगा। चलिए बच्चों वन्य जीव अभयारण्य होते क्या है, वन्य जीव अभयारण्य जिस तरह से एक नेशनल पार्क होता है, ठीक, जैसे कोई चिड़ियाघर होता है, उसी तरह से एक वन्य जीव अभयारण्य होते हैं। अभयारण्य का मतलब ये आपका कोई एक क्षेत्र होता है, चारों तरफ से हाथाबंदी हो जाए, ठीक, जहां पर पूरा तरीके से कब्जा गवर्नमेंट का होता है, कोई व्यक्ति उसमें ना जाने पाए, वो होता है वन्य जीव अभयारण्य, ठीक। लिखेंगे क्या कि वन्य जीव अभयारण्य एक ऐसा स्थान होता है जहां पर वन्य जीवों को संरक्षित रखा जाता है, और वन्य जीव अभयारण्य का उद्देश्य केवल वन्य जीवों का या वन्य जीवन का संरक्षण करना होता है, जो वन्य जीव हैं उन जीवों को संरक्षित करने का उद्देश्य होता है वन्य जीव अभयारण्य बनाना, ठीक। यानी वन्य जीव जो अभयारण्य होते हैं एक प्रकार के चिड़ियाघर समझ लीजिए, तो उसका उद्देश्य क्या है, वहां पर जो भी जैव संपदा है, जो वन्य जीव हैं उनको संरक्षित रखना, प्रिजर्व करना, उनको सुरक्षित रखना, ये उद्देश्य उसका होता है, ठीक। अब इसमें क्या है, इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व, स्वामित्व का मतलब स्वामी हो जाना, उतने की बारा मेरा एक बीघा ये मेरा है, दो बीघा मेरा है, वो जंगल मेरा है, ये खेत मेरा है, ऐसा कुछ नहीं होता है। इसमें व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कोई अपना लो कि ये मेरा है, नहीं, व्यक्तिगत स्वामित्व। फिर दूसरा है लकड़ी काटने, पशुओं को चराने, ठीक, साथ ही साथ इसमें पेड़ पौधों की लकड़ियां तोड़ने आदि की अनुमति नहीं दी जाती है, ठीक। ऐसे क्षेत्रों में पूरी तरह से निषेध होता है, पूरी तरह से परमिशन मतलब आपको नहीं दिया जाएगा बिल्कुल उस वहां पे अंदर जाने का, ठीक। यानी ना तो आप पशु चरा सकते हैं उसमें, ना तो वहां लकड़ी काट सकते हैं, ना तो वहां पर भाई कोई मतलब पेड़ पौधे की टहनियां भी नहीं तोड़ सकते हैं, और साथ ही साथ व्यक्तिगत स्वामित्व मतलब उसको ऐसा नहीं कि अपना बना लो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता, इन सबकी अनुमति नहीं होती है, और इसकी स्थापना एवं नियंत्रण यानी इनको बनाने का काम और इनका देखरेख कौन होता है, राज्य सरकार के अधीन होता है, ठीक। यानी इनका जिम्मा राज्य सरकार उठाती है, ठीक। आगे लिखेंगे बच्चों भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य, कभी कभार पूछ लेता है, तो भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य क्या है, इडुक्की अभयारण्य जो केरल में है, अगला है मालाबार अभयारण्य ये भी केरल में है, अगला है बोरी अभयारण्य ये मध्य प्रदेश में है, अगला है बच्चों गांधी सागर अभयारण्य ये भी मध्य प्रदेश में है, और नेक्स्ट है घाना पक्षी विहार ये क्या है, राजस्थान में है, ठीक है ना। ये कहां है बच्चों, तो ये राजस्थान, ये है भारत के कुछ वन्य जीव अभयारण्य। क्लियर हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसलिए इसको भी अच्छे से आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक, स्क्रीनशॉट पहले कर लो। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक, ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन है रेड डाटा बुक
क्या है, ठीक, या रेड डाटा बुक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिएगा, ठीक। रेड डाटा बुक बेहद इंपॉर्टेंट है कि ये होता क्या है। तो रेड डाटा बुक एक ऐसी किताब होती है जिसमें संकटग्रस्त, हमें पता है बच्चों आज के समय में इस पृथ्वी पर रहने वाली बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं या फिर विलुप्त होने के कगार पर है। जैसे अगर देखें जो गौरैया पक्षी होती है, ठीक, जिसको कहीं कहीं भुर्रैया कहते हैं, हमारे यहाँ भुर्रैया बोलते हैं, ठीक, देहात में, तो ये पक्षी बिल्कुल अब नहीं दिखाई पड़ती है, समझो ना के बराबर। गिद्ध है, बाज है, चील है, ये भी नहीं दिखाई पड़ते हैं, ठीक। और साथ ही साथ जैसे कस्तूरी हिरण है, ये भी विलुप्त हो चुके हैं लगभग लगभग, अगर होंगे तो भाई ये समझ लीजिए संकट ग्रस्त है। डोडो पक्षी है, ये भी खत्म हो चुका है। तो इस तरह से मतलब बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं या बहुत सारे जीव, जैसे अगर हम बात करें बब्बर शेर, गुजरात का बब्बर शेर फेमस था, वो खत्म हो गए। शेर, बाघ, चीते सब मर रहे हैं, क्यों? अब इसीलिए देखा आपने नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी क्या किया है कि भाई विदेश से ये बाहर से यहां पर ला करके क्या है उनको मतलब जिंदा रख रहे हैं ताकि उनकी संख्या जो घट रही है थोड़ा उनमें वृद्धि हो जाए। तो ये चीज है कि अब इनकी संख्या दिन पर दिन कम हो रही है। तो इन सब का एक लिस्ट, इन सब की एक लिस्ट, इनका ब्यौरा एक जब एक किताब के अंतर्गत दर्ज कर दिया जाता है, उस किताब का ही नाम है रेड डाटा बुक, जिसको जारी किया था IUCN ने, ठीक, किसने? IUCN ने जारी किया था। IUCN होता क्या है? IUCN एक संस्था है, ठीक, जिसका फुल फॉर्म भी कभी कभार पूछ लेता है, तो इसका फुल फॉर्म लिख देते हैं बच्चों, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेस, ठीक, रिसोर्सेस, ये इसका फुल फॉर्म है, थोड़ा लंबा है लेकिन सिंपल है, ठीक। तो ये होता क्या, इसका फुल फॉर्म हमने क्या बताया बच्चों कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, ठीक, मतलब जैव संपदा को संरक्षित करने की एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है, ठीक, इसका ये फुल फॉर्म है हिंदी में। तो IUCN द्वारा जारी की गई एक ऐसी किताब जिसमें विलुप्त, जिसमें क्या होता है बच्चों, विलुप्त, संकटग्रस्त, दुर्लभ, अनाकलित जीव जातियों का सूचीबद्ध वर्णन किया जाता है, उसे कहते हैं रेड डाटा बुक, यानी उस किताब का जो नाम है रेड डाटा बुक है। और IUCN जो संस्था है इसका मुख्यालय बच्चों स्विट्जरलैंड में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। अब देखिए रेड डाटा बुक की सहायता से हमें संकटग्रस्त जीवों की जानकारी आसानी से प्राप्त हो जाती है या उपलब्ध हो जाती है। इन जानकारी यानी ये जो जानकारियां होती हैं भाई, हमको इस किताब से जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी जातियां संकटग्रस्त हैं। और जब जानकारी मिल जाती है बच्चों, तो इस जानकारी की हम सहायता से हम उन संकटग्रस्त जीवों के संरक्षण के लिए क्या है, प्रयास कर सकते हैं। जब हमें पता चल जाएगा कि कौन सा जीव क्या है मृत्यु के कगार पर, यानी संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, कौन विलुप्त के कगार पर है, यानी कौन विलुप्त होने वाले हैं, जब ये पता चल जाएगा तो हम उनको प्रिजर्व करने का सोचेंगे, हम उनको जीवित रखने का सोचेंगे, ठीक। तो इस किताब में यही सब होता है और उन्हें क्या है विलुप्त होने से बचा सकते हैं। भाई हमें जानकारी मिल जाएगी, उस जानकारी की सहायता से हम संकटग्रस्त जीवों को मतलब के संरक्षण का प्रयास करेंगे और उन्हें विलुप्त होने से हम बचा सकते हैं। तो जैसे संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतर्गत निम्नलिखित जीव हैं, जैसे एक सींग वाला गैंडा हो गया, कस्तूरी हिरण हो गया, बब्बर शेर हो गया, बाघ हो गया, ये सब संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, यानी ये सब समझ लीजिए घोर संकट में हैं। अगर कुछ तो विलुप्त हो चुके हैं, कुछ यूं समझिए बच्चों विलुप्ति के कगार पर हैं,
तो इनको बचाने के लिए इन सब की जानकारी जो मिलती है वो हमें रेड डाटा बुक से ही मिलती है। ठीक, इस किताब को इसीलिए बनाया गया है। क्लियर हुआ? चलिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, कर लीजिए आप लोग, थोड़ा हम पानी पी लेते हैं। हो गया भाई, क्या करें, गला सूख रहा है। चलिए बच्चों, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है कि जैव विविधता की क्षति के कारण लिखिए, या जैव संपदा के क्षति के कारण लिखिए। यानी कोई भी जैव विविधता क्या है, जीवों में पाई जाने वाली विभिन्नताओं को ही जैव विविधता कहते हैं। विभिन्नताएं भाई आनुवांशिक विभिन्नताएं हो सकती हैं, या फिर हम कह लें तो जातीय विविधता हो सकती है। ठीक, ये होता है विविधता। ठीक, किसी भी जीव में जो परिवर्तन होते हैं, अंतर होते हैं, वो जैव विविधता होता है। तो जैव विविधता, या हम कह लें कि जो भी जीव जंतु हैं उनके विलुप्ति का क्या कारण है, तो विलुप्ति का क्या कारण हो सकता है, देखिए सिंपल है बच्चों, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये क्वेश्चन। पहला है अंधाधुंध वनों की कटाई। भाई आज मनुष्य फर्नीचर के लिए या अदर चीज के लिए घर घर का निर्माण, भाई फर्नीचर वगैरह इस्तेमाल कहाँ होंगे, वही होंगे। तो इन सब के लिए आज अंधाधुंध, जो पहाड़ों पर बहुत सारी ऐसी लकड़ियां हैं, बहुत महंगी लकड़ियां होती हैं, ठीक, लेकिन ये जैव संपदा को संरक्षित रखते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं, पर्यावरण को साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन मनुष्य आज अपने स्वार्थ के लिए, अपने कामों के लिए क्या कर रहा है, अंधाधुंध वनों की कटाई कर रहा है। कोई खेत बनाने के लिए, तो कोई घर बनाने के लिए, तो कोई सड़क बनाने के लिए, है ना, सरकार तो सड़क बनाने के लिए कर रही है। ठीक, तो ये अंधाधुंध वनों की कटाई हो रही है। हालांकि लग रहे हैं, लेकिन भाई पेड़, वही चीज है ना कि पेड़, अब जो पेड़ 20 साल में तैयार हुए हैं, भाई अगर उनको काट दो, आज के पेड़ ऐसे ऐसे रह जाते हैं, है ना भाई। आज पर्यावरण ही उस तरह से नहीं है, तो पेड़ पौधे कहां से भाई वो मोटे होंगे, कहां से तंदुरुस्त होंगे। ठीक, जिस तरह मनुष्य का हाल है उनका भी। तो पहला कारण है अंधाधुंध वनों की कटाई। भाई ज्यादा से ज्यादा वनों की कटाई हो रही है, तो जाहिर सी बात है जैव संपदा या जैव विविधता में क्षति होगी या नुकसान होगा। दूसरा है गैर कानूनी रूप से वन्य प्राणियों का शिकार। कुछ लोग होते हैं कि भाई सरकार की, देखिए वैसे किसी भी जीव को मारना कानूनन बहुत बड़ा जुर्म है, लेकिन वही कह रहा है कि गैर कानूनी तरीके से, मतलब भाई किसी को पता नहीं चलता है, कुछ लोग क्या है जीवों को मारते हैं, शिकार करते हैं, पक्षियों को मारते हैं, तो इसके कारण भी जीव जंतु नष्ट हो रहे हैं। अगला है कि मानव की क्रियाओं, भूलवश या जानबूझकर वनों में लगाई गई आग। ठीक, वही चीज ना कि मनुष्य के भाई अनजाने में भी आग लग सकती है, या मनुष्य जानबूझकर आग लगा देगा तो भाई पूरा पूरा जंगल साफ, और उसमें जीव जंतु जितने भी रहेंगे, जीव जंतु सभी मर जाएंगे। ठीक, तो इससे भी जैव विविधता में क्षति होगी। नेक्स्ट है पॉल्यूशन, प्रदूषण। अब भाई इसको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आज के समय पॉल्यूशन इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा प्रदूषण हो गया है कि प्रदूषण का ही कारण है कि अधिक से अधिक जीव जंतु क्या है, तेजी से मर रहे हैं। ठीक, तो ये सभी के सभी जैव विविधता की क्षति के कारण है, या जैव संपदा के विलुप्ति के कारण है। क्लियर हो गया बच्चों? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक कर देना बच्चों, इस मेहनत के लिए। ठीक, अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको ऐसे ही मजेदार टॉपिक मिलते रहेंगे रेगुलर। तो मिलते हैं किसी और जबरदस्त वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इसको भी स्क्रीनशॉट कर लीजिए।